तो दोस्तों YouTube की तरफ से रिसेंटली तीन नए अपडेट निकल गए हैं। ये अपडेट जो कि न्यू क्रिएटर्स के बारे में सोचकर YouTube अपडेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर YouTube जब भी अपडेट निकालता था बड़े क्रिएटर्स के लिए होता था, छोटे क्रिएटर्स के लिए कभी कोई अपडेट निकालते नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पर अपडेट पे अपडेट निकाल रहा है छोटे क्रिएटर्स के लिए। कौन से अपडेट है साथ में बात किया, उनमें से एक अपडेट जो कि मोनेटाइजेशन को लेकर भी है, तो काफी गुड न्यूज यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ न्यू क्रिएटर्स के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो काफी नॉलेजेबल रहने वाली, कौन कौन से अपडेट है सारा कुछ बताऊंगा बाई डिटेल। तो फ्रेंड वीडियो को अभी से लाइक कर लेना, अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स वाले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है कम्युनिटी टैब को लेके। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, उसमें मैंने बताया था कि यहां पर YouTube जल्दी ही आपके चैनल पे आपको कम्युनिटी टैब देने वाला है। जब भी आपके जो चैनल है वो क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर का कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब भी यहां पर आपके चैनल 500 सब्सक्राइबर है उसके बाद आपके चैनल पे YouTube कम्युनिटी टैब आपको दे दे रहा है। उसके अलावा बात किया तो वहां पर जो ये टैब है वो आपको कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन टैब था उसको हटा रहा है, उसकी जगह पर कम्युनिटी टैब आपको मिल रहा है। अब YouTube इसी अपडेट को और भी अपग्रेड कर रहा है, बोल रहा है कि यहां पर जल्दी 0 से 500 सब्सक्राइबर जिनके भी रहेंगे उनको भी यहां पर कम्युनिटी टैब उनको दे दिया जाएगा, यानी कि 500 सब्सक्राइबर से नीचे वाले चैनल को भी कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। तो ये काफी गुड न्यूज है छोटे क्रिएटर्स के लिए, यहां पर आप भी कम्युनिटी जो टैब है उसका मजा ले पाओगे, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाल पाओगे। अगला अपडेट निकाला फ्रेंड्स वो निकाला है यूट्यूब स्टूडियो ऐप को लेकर। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है जब भी अपन को कोई डिटेल्स में कोई चीजें देखनी होती थी तो अपन को क्या है वीडियोज या फिर चैनल के ऊपर अपन को जाना होता था यूट्यूब के डेस्कटॉप मोड में, यानी कि डेस्कटॉप पे जाना पड़ता था और वहां पर अपन एनालिटिक्स में डिटेल प्रॉपर तरीके से देख पाते थे, क्योंकि वहां पर एक एक बारीकी से अपन को चीजें बताई जाती हैं। लेकिन यहां पर यही सब चीजें YouTube जल्दी ही अपने YT Studio ऐप में भी करने वाला है, यानी कि आपका जो मोबाइल यूजर है उनका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाए इसके लिए ऐसा कर रहा है। तो यहां पर पूरी डिटेल्स अपन को YT Studio ऐप में भी देखने को मिल जाएगी, वहां पर अपन को अब जो कुछ चीजें हैं जो कि देखनी होंगी तो अपन को डेस्कटॉप मोड में जाने की जरूरत नहीं है, आप YT Studio ऐप में ही देख पाओगे। तो ये भी काफी अच्छा कर दे रहा है YouTube। अगला अपडेट फ्रेंड्स यहां पर जो निकल गया वो है मोनेटाइजेशन को लेके। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जब भी अपन चैनल मोनेटाइज के लिए भेजते थे तो वहां पर अपन को YouTube ने एक क्राइटेरिया दे रखा था, तभी जाके अपना जो चैनल मोनेटाइज होता था। उनमें से ये था कि भाई आपके चैनल पे लास्ट के 365 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना होता था। उसके अलावा यहां पर YouTube ने और भी उसमें पॉलिसीज ऐड की थी कि भाई आपका जो चैनल है उसका कोई नीच होना चाहिए, कोई थीम होनी चाहिए, उसी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि मिक्स कंटेंट आप अपने चैनल पे डाल दो, ठीक है। उसके अलावा यहां पर उसके बाद आया था नया ऑप्शन, यानी कि नई पॉलिसी वो आई थी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर, कि आपके चैनल पे कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं करेगा YouTube। उसके अलावा फिर एक और अपडेट किया जो कि रिसेंटली जिसका है टू स्टेप वेरिफिकेशन नाम, और वो भी यहां पर YouTube ने बोल दिया था कंपलसरी है आपके चैनल पे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल रखोगे तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तभी आप YT Studio ऐप को एक्सेस कर पाओगे। तो यहां पर ये सब चीजें YouTube ने बोल दिया। उसके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि रियूज वगैरह ये सब चीजें, यानी कि YouTube ने कुछ पॉलिसीज दे रखी हैं, अगर उन रूल्स को आप फॉलो करोगे तभी जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन बात रहती है फ्रेंड्स आपका जो चैनल है वो सारी चीजों को यहां पर फॉलो कर रहा है, यानी कि कहीं पर कोई गलती है नहीं, और तभी भी किसी गलती की वजह से या फिर पता नहीं YouTube कभी कभी समझ नहीं पाता है और आपके जो चैनल है उसको रिजेक्ट कर देता है, मोनेटाइज नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहां पर बात किया YouTube ने इसी को लेकर यहां पर चीजें हैं जो कि और यानी कि इंप्रूव की है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको यहां पर YouTube दो ऑप्शन देता था पहले, एक होता कि अगर आप यहां पर डिसेबल हो जाता है आपका जो चैनल का मोनेटाइजेशन तो आप 30 डेज के बाद में फिर से रीअप्लाई कर पाते थे, ठीक है, रीअप्लाई करते थे और आपका जो चैनल अगर उसमें दिक्कत नहीं होती तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। उसके अलावा यहां पर दूसरा ऑप्शन था कि आपको यहां पर अप्लाई करना पड़ता था, आपको वहां पर टेक्स्ट वगैरह लिखने होते थे, ठीक है, अपील करनी होती थी, टेक्स्ट वगैरह लिखते थे इंग्लिश में और उसके बाद आप अपील करते थे। अगर वहां पर आप अच्छी तरीके से बता पाते थे YouTube को भाई ऐसी ऐसी गलतियां मैंने नहीं की और मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, तो YouTube देखता था, रिव्यू करता था और आपका चैनल मोनेटाइज कर देता, अगर गलती होती नहीं करता था, ठीक है। लेकिन इसी चीज को आप अब YouTube ने और भी जबरदस्त कर दिया, यानी कि अब यहां पर आपको एक और नया ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आपका चैनल मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है YouTube तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपील बाय वीडियो, यानी कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपील बाय वीडियो, आपको उस पर क्लिक करना है, आपको वहां पर आपको एक वीडियो है जो कि बनाकर डालनी है YouTube पर और उसमें आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि भाई मैंने जो मेरी चैनल है उस पर कोई गलती नहीं की है, तब भी मेरा जो चैनल मोनेटाइज YouTube नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे मैंने सारी चीजें कर रखी हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, आपको उसमें एक्सप्लेन करना पूरी तरीके से और आपको YouTube पर डाल देना है। YouTube क्या वीडियो को रिव्यू करेगा और आपका जो चैनल है उस पर मतलब रिव्यू करेगा और वीडियो पर भी रिव्यू करेगा। उसके अलावा बात की जाए फ्रेंड्स यहां पर इसी चीज को और भी YouTube ने बता दिया है क्लियर कि यहां पर यही चीजें हैं जो कि लैंग्वेज YouTube जो जो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है उन्हीं मतलब वीडियोस में आप यहां पर वीडियो बना पाओगे, ठीक है।
जैसे मान लीजिएगा यूट्यूब हिंदी सपोर्ट करता है तो हिंदी में आप वीडियोस बिल्कुल बना सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर लोकल लैंग्वेज यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, जैसे कि लोकल लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, उसके अलावा कुछ लोकल लैंग्वेज है जिनको यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है, तो यूट्यूब बोल रहा है कि भाई आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ही वीडियोज डालनी है और इंग्लिश में वहां पर आप सबटाइटल लिख सकते हो, यानी कि डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने वीडियो में सबटाइटल दे दिए तो यूट्यूब सबटाइटल्स के थ्रू भी वीडियोज को यानी कि समझेगा और यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर ये सब चीजें यूट्यूब ने कर दी है कि भाई आपको बस अब एक वीडियो डालनी है जो कि अपील बाय वीडियो के ऑप्शन पे जाकर और बता देना है कि मेरे चैनल पे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए, मैंने कोई गलती की नहीं है। तो यूट्यूब क्या है, रिव्यू करेगा आपके चैनल को, उस वीडियो को, और आप उसके बाद आपके चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज कर देगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन कर दिया, अब आपको बस वीडियो बनानी पड़ेगी, कोई इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही मतलब रीअप्लाई करने की जरूरत है, आपको बस वीडियो बनानी है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है भाई ऐसा ऐसा मैंने किया है और तभी भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपका जो चैनल यूट्यूब मोनेटाइज कर देगा। तो फ्रेंड्स ये काफी गुड न्यूज है क्रिएटर्स के लिए, अच्छा है, मेरे को तो मेरे हिसाब से मेरे को काफी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा अपडेट आपको ज्यादा पसंद आया, कैसा लगा, अपने ओपिनियन आपको वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स अभी तक आपने इंस्टा फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।